प्रकाश जी आप कहाँ हैं? क्या नीचे आते हैं? बबलू सिन्हा जी, मनोज प्रधान जी, आप भी कृपया हाजिर स्वागत करने के लिए। युवा भी कृपया मंच पर आकर हमारे मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ देकर सब। अशोक भैया, अरविंद सिन्हा जी, आप एक बार स्वागत करते हैं। अरविंद सिन्हा जी, जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आलोक सिन्हा जी भी यहाँ थे, अगर है तो फिर विनोद जी किस उद्देश्य से प्रस्ताव? देखिए, मैं चतरा जी सामाजिक कारणों से आया हूँ और जब भी चतरा आता हूँ तो आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। और मोदी जी की जो विकास यात्रा है, भारत के लिए कैसे भारत का उत्थान हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में बात करता हूँ जिससे लोग समझ सके। कभी कभी डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, कभी कभी विपक्ष जो है वो बहुत मुखर होकर बोलता है, लोग उन चीजों को भूल जाते हैं जो विकास हुए हैं और उससे उनकी आम जिंदगी पर कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि जो चीज हो जाता है वो इंस्पायर नहीं करता, जो नहीं होता है वो दिखता है। तो हम लोगों का काम है कि मोदी जी के कार्य को पहुंचाएं जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और चतरा तो हमारी जन्मभूमि है, जब भी मैं आता हूं तो आप लोगों से मिलता हूं और आप लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग जरिया है जिससे मैं लोगों तक पहुंच पाता हूं। तो इस संदर्भ में चतरा का भौगोलिक परिदृश्य देख करके कैसा फील करते हैं? देखिए, जब भी मैं चतरा आता हूँ तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग तो नहीं होता, क्योंकि जब मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ और जगह जाता हूँ तो घूमते रहता हूँ राजनीतिक कारणों से भी, तो वहां जो विकास की लहर को देखता हूँ, जिस तरह के परिवर्तन को देखता हूँ, चतरा में तो नहीं हो पाया। तो क्या कारण है और कैसे चतरा को और विकसित किया जा सके, क्योंकि मोदी जी का एजेंडा ही विकास है। मोदी जी के विकास के एजेंडा को चतरा की धरती पर कैसे उतारा जाए, ये सब लोगों को सोचना चाहिए। आप लोग किसको मानते हैं? देखिए, दोषी हम सब दोषी हैं। अगर दोष देना है तो मुझ पर भी आप दोष दे सकते हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को लोगों तक क्यों नहीं लाया, नेतृत्व तक क्यों नहीं लाया। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी दोष है, और जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप जो बोल रहे हैं वो सच है तो फिर सभी लोग दोषी हैं। और दोष देने का वक्त नहीं है, वो वक्त सोल्यूशन निकालने का है। क्योंकि दोष देकर तो आप आगे निकल सकते हैं, जब तक सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। और एक यही चीज़ सीखा है हम लोगों ने, मोदी जी ने सिखाया है कि दोष मत दो, सोल्यूशन निकालो, और सोल्यूशन निकाल कर लोगों की जिंदगी को और बेहतर किया जाए उसका प्रयास होना चाहिए। यहाँ की जनता जो है भाजपा के आंदोलन को दो बार जिताने के काम किए है, उनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? क्षेत्र में आप भी घूमे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चतरा भाजपा का एक बहुत मजबूत गढ़ रहा है शुरू से। एकाध अपवाद होंगे, भाजपा ही जीती है यहाँ से, और जो भी भाजपा का कैंडिडेट होता है वो जीतता है। और जो भी कैंडिडेट जीतता है उसका दायित्व तो है कि मोदी जी के एजेंडा को अक्षर से, इस तरह मोदी जी जिस सोच से उसको लाए हैं, उसको लोगों तक पहुंचाएं। और अपने दायित्व से कोई भी व्यक्ति हट नहीं सकता है। और हमें लगता है चतरा में बहुत पोटेंशियल है। मैं तो यही पढ़ा हूँ, टाट पर बैठकर हम लोग पढ़ाई करते थे, तो बहुत कुछ हो सकता है। इंटर कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, जो हम लोग बात करते हैं उस कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको भी सोचना चाहिए, क्योंकि चतरा को हम इस साल में नहीं छोड़ सकते और विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ही होगा। तो